तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं क्लोरीन थर्टी सेवन हमें दिया गया है क्लोरीन 35 हमें दिया गया है एवरेज उसकी वैल्यू दी गई है थर्टी फाइव पॉइंट फाइव हमें बताना है कि यहाँ पे अलग अलग इनका क्या होगा और इनका रेशियो क्या होगा सबसे पहले हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं किसी एक के लिए तो लिखेंगे लेट

इट विल बी एक्स परसेंट अगर सी एल थर्टी सेवन है तो वो कितना होगा हंड्रेड माइनस एक्स परसेंट क्योंकि टोटल परसेंटेज का सम हंड्रेड ही आ सकता है अब हम यहां पे यूज करेंगे जो मास का फॉर्मूला होता है तो एटॉमिक मास का एवरेज अगर हम निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसकी वैल्यू हो जाएगी ए वन इन टू जो उसका है. तो हमारे पास पहले का कितना है एक्स परसेंट प्लस दूसरा मास ए टू इन टू हमारे पास यहां पे हंड्रेड माइनस एक्स है अपॉन अपॉन में हम हंड्रेड लेते हैं अपॉन ये कितना आ जाएगा हंड्रेड और हम यहां वैल्यूज को पुट करेंगे हमारे पास जो वन है हम लिखेंगे here, A1 की वैल्यू क्या है एक्स है क्लोरीन थर्टी सेवन के लिए तो वन कितना हो जाएगा थर्टी सेवन और ए टू कितना हो जाएगा थर्टी फाइव अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो एवरेज की जगह पे हम रखेंगे थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इज इक्वल टू एक्टेटी सेवन इंटू एक्स प्लस थर्टी फाइव इंटू हंड्रेड माइनस एक्स और नीचे डिवीजन हम करेंगे हंड्रेड का तो ये वैल्यू अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा थ्री फाइव फाइव जीरो इज इक्वल टू होगा थर्टी सेवन एक्स प्लस थ्री फाइव जीरो जीरो माइनस थर्टी फाइव एक्स तो यहां से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ट्वेंटी फाइव तो एक्स हो गया ट्वेंटी फाइव तो हंड्रेड माइनस एक्स कितना होगा ये हो जाएगा सेवेंटी फाइव एक्स है किसके लिए क्लोरीन थर्टी सेवन के लिए तो इस तरह से हमने परसेंटेज निकाल लिया सो फॉर क्लोरीन 37 ये हो गया कितना परसेंट 25 फाइव परसेंट एंड एंड हम यहां लिखेंगे और यहां पे है क्लोरीन 35 तो ये कितना हो जाएगा 75% ये परसेंटेज अबेंडेंस है हमें रेशियो बताने के लिए कहा गया है और क्लोरीन 37 और 35 के लिए तो 37 35 का जो रेशियो होगा तो रेशियो कितना हो जाएगा रेशियो हो जाएगा यहाँ पे हमें दिया गया है 25 और 75 तो यहाँ होगा 25 फाइव परसेंट इज टू सेवेंटी फाइव परसेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू थ्री ट्वेंटी फाइव थ्री होता है सेवेंटी फाइव तो वन एस टू थ्री आएगा और ये दिया गया है ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में वन एस टू थ्री दिया गया है तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तो हम लिखेंगे सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है में हमें रेशियो दिया है वन इस टू थ्री आई होप द एक्सप्लेनेशन वॉज क्लियर थैंक यू